जिन लोगों ने कांग्रेसियों के टाइम वाला कश्मीर नहीं देखा ना, उनको मोदी के इस नए कश्मीर का मोल समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज जो कश्मीर पूरी दुनिया के लिए भारत का मस्तक, भारत की शान बन चुका है, वो कश्मीर कांग्रेसियों की शर्मनाक कारनामों की वजह से 1995 में दुनिया की नजर में कब्रगाह बन गया था। क्या हुआ था 1995 में? साल 1995 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जुलाई के महीने में घूमने के इरादे से अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे और जर्मनी, चार अलग अलग देशों के 5 पर्यटक कश्मीर आए। उस समय कश्मीर घाटी में अल फरान नाम का आतंकी संगठन सक्रिय था। उसने इन 5 पर्यटकों का अपहरण किया और उनकी हत्या कर दी। इतना कुछ हो गया और केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कांग्रेसियों को भले ही इस घटना से कुछ फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर हंगामा मच गया। पूरी दुनिया भारत पर सवाल उठाने लगी। इतनी बड़ी घटना के बाद सालों बीत जाने के बाद भी ना कश्मीर के हालात बदले और ना ही कांग्रेसियों की शर्मनाक हरकतें। कश्मीर के लोग दशकों डर और भय के साए में जीते रहे और कांग्रेसी यासीन मलिक जैसे नेताओं को दिल्ली बुलाकर गलबहियां करते रहे। लेकिन कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है, कश्मीर की भी सुबह हुई। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही कश्मीर घाटी के हालात बदल गए। जो कश्मीर कांग्रेसियों की सरकार में आतंकियों के लिए जन्नत बन चुका था, वही कश्मीर मोदी के आते ही उनके लिए जहन्नुम बन गया। पीएम मोदी ने कश्मीर के माथे से नेहरू के लगाए अनुच्छेद 370 वाले दाग को मिटाया और जिस कश्मीर में आम पर्यटक तक सुरक्षित नहीं थे, वहाँ G20 का शानदार आयोजन तक कराया। दुनिया के 17 देशों के 60 डेलीगेट्स को कश्मीर में बुलाकर दुनिया को दिखा दिया कि ये कश्मीर वो कश्मीर नहीं है, ये नए भारत का कश्मीर है जो सुरक्षित भी है और प्रगतिशील भी। सोचिए, क्या मोदी के कार्यकाल से पहले कोई सोच भी सकता था कि हमेशा पत्थरबाजों से घिरे रहने वाले कश्मीर में G20 जैसा बड़ा आयोजन हो सकता है? लेकिन पीएम मोदी ने इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना दिया और कश्मीर पर लगाए कांग्रेसियों के दाग को हमेशा के लिए मिटा दिया।